Guys, welcome you all. RRB, NTPC, CVT 1 का आंसर की आ चुका है. तुम सब देख भी चुके होगे, अपने नंबर भी ऐड सब सारा दिमाग लगा लिए होगे, है ना. अब सारा दिमाग लगा रहे हो यार, नॉर्मलाइजेशन हाउ इज गोइंग टू बी, कैसा होगा नॉर्मलाइजेशन. और यार इस पे बात करते हैं, इस बार नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, यही तो मुद्दा है यार. इस पे ही बहुत ज़्यादा बहस चल रही है. मैंने सोचा यार क्यों ना इस पे एक सही प्रकाश डालो, लॉजिकली बातें करो. आओ यार लॉजिकली समझते हैं. यार अगर तुम आर आर बी ग्रुप डी 2018 में देखो तो बहुत बंदों का 35-30 ऐसे ऐसे नंबर मिल गए थे जो कि इस बार इम्पॉसिबल है. 31 जुलाई 2021 को लास्ट एग्ज़ाम था, और लास्ट एग्ज़ाम इवन जो लास्ट फेज था, सेवेंथ फेज था, उसमें भी जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था उसको हाई नहीं किया गया था. मतलब जैसे पहले क्वेश्चन आ रहे थे वैसे ही क्वेश्चन आ रहे थे. मुझे लगा था कि यार लास्ट फेज है तो इस बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ कर देंगे, जिससे कि ना, क्योंकि बहुत गैपिंग के बाद अप्रैल टू जून, जिसकी तैयारी नहीं भी हुई होगी ना लॉकडाउन में, थोड़ा एक दिन एक घंटा दो घंटा भी पढ़ा हुआ ना, तो उसकी तैयारी हो गई होगी, राइट. तो मुझे इस तरह का लग रहा था कि यार बहुत ना डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा, या इज़ गोइंग टू बी वेरी पैथेटिक काइंड, बेसिकली ये कहने का मतलब है, राइट. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तुमने देखा ही होगा क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल भी हाई नहीं था. इट वॉज मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट ही रहा था, जो शुरू से ईजी टू मॉडरेट ही चला आ रहा था, राइट. तो इस बार नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा, जैसे एकदम ऐसा नहीं होने वाला है कि किसी को भाई 30 मार्क्स 40 मार्क्स ऐसे मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. कुछ अगर रियली में अगर किसी को बहुत ज़्यादा मॉडरेट रहा होगा तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है, मैक्सिमम की बात है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 से 15, ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा एक नंबर भी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इस बार नहीं मिलने वाला है. और इस बार मुझे लगता है कि रेलवे ने TCS को बोल रखा था कि भाई बैलेंस करके चलना है, राइट. तो इस चीज़ को तुमने एग्जामिनेशन में भी देखा था, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही हर शिफ्ट में रखने की कोशिश की गई थी. बेसिकली कहने का मतलब है कि बैलेंस रखने की कोशिश की गई थी, राइट. सो इस बार नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 से मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलने वाला. अगर किसी की बहुत ज़्यादा हार्ड आ गई थी तो उसमें मैक्सिमम 15 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तुम देख लेना. ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, लॉजिकली बता रहा हूँ. और ये चीज़ें तुम किसी भी एग्ज़ाम में देख लो ना, जहाँ पे भी थोड़ा सा बैलेंस बना के चला गया है. जैसे अभी SSC CGL की 2020 की बात करें तो शुरू से ही पेपर मॉडरेट लेवल का आ रहा है, और अभी भी मॉडरेट ही लेके चल रहे हैं वो. ऐसा नहीं कि किसी को इजी कर दिया. तो वो चीज़ TCS में, आई थिंक ये चीज़ें, यू नो, SSC, TCS, UPSC जो भी है, इनको बात समझ में आ गई कि यार नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा ये फ़र्क पड़ जा रहा है, तो क्यों ना शुरू से ही बैलेंस में रखें. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए RRB, NTPC, CVT 1 का जो जितने भी शिफ्ट रहे, 28 दिसंबर से 31 जुलाई तक सारे जो शिफ्ट रहे थे वो इजी टू मॉडरेट ही रहे थे. कोई बहुत ज़्यादा हार्ड किसी शिफ्ट में ऐसा नहीं, एकदम ऐसा नहीं कर दिया गया था कि बिल्कुल हार्ड शिफ्ट दे दिया गया था, राइट. तो मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग तो 15 से किसी को भी ज़्यादा नहीं मिलना है, मिनिमम एक दो नंबर भी हो सकते हैं 3-4, तो मैक्सिमम 15 होगा. इससे ज़्यादा ये तुम नहीं देखोगे किसी को 40-30 ऐसा कुछ मिल रहा है, किसी को किसी को 40 तो 30 ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं होगा. मैं एकदम श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ. तुम्हें क्या लगता है यार, तुम्हारी क्या ओपिनियन है, क्या तुम मुझसे एग्री करते हो, नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, कमेंट कर सकते हो. सब्सक्राइब करो इस चैनल को सही इन्फॉर्मेशन के लिए. दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट ग्रेट डे.